एशिया में आज हमने कमजोरी देख ली थी, लगभग 1% सुस्त थे एशिया के बाजार। तीनों एशियन मार्केट्स मेजर जो है, जापान, चाइना और हांगकांग की बात करें तो वहां पर 1% की आपने कमजोरी आते हुए देखी है। इसके अलावा यूएस की बॉन्ड यील्ड 1.48% पर है, तो वहां से कोई परेशानी नहीं आ रही है। डॉलर 2 महीने की ऊंचाई पर है, क्या करना चाहिए सर? वैसे आप देखेंगे तो कहीं से कोई ऐसा खराब संकेत है नहीं जिसकी वजह से कि बाजार बहुत खराब हो, और मुझे लगता है कि रनिंग करेक्शन है, लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद 1-1.5% का करेक्शन जो आना चाहिए वो आता हुआ दिख रहा है, तो कोई चिंता की बात अभी है नहीं। दूसरा दो क्या अच्छा है और क्या खराब है दोनों बता देता हूँ। पहले अच्छा क्या है, अच्छा ये कि डाउ फ्यूचर्स रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, तो कोई खास ऐसी चिंता की बात अभी तो नहीं दिख रही। अब कैसा होगा अमेरिका में कारोबार वो एक अपनी जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिससे आपको बड़ा डर लगे, पहली चीज। दूसरा अच्छा क्या है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज में आ रहा है बाजार, 15,675 15,750 आपको आज रेंज दी थी कि ये खरीदारी की रेंज है, उस खरीदारी की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। तीसरा और सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि बाजार ओवरसोल्ड होता हुआ दिख रहा है, पुट कॉल रेशियो इंट्राडे में 0.92 के आसपास है, सर्टेनली निश्चित तौर पर ओवरसोल्ड है, तो निचले स्तरों से आपको सपोर्ट लेवल से रिकवरी आने के पूरे पूरे आसार है। तो ये तीन चीजें पॉजिटिव है आपके लिए। नेगेटिव साइड पर क्या है, नेगेटिव साइड पर यह है कि दमदार शॉर्ट्स बने हैं इस बाजार में, आप देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी, और स्पेशली बैंक निफ्टी में दबाकर कॉल राइटिंग हुई, तगड़ी वाली कॉल राइटिंग हुई, यानी कि कोई तो ये मानकर चल रहा है कि बाजार थोड़ा और करेक्ट करना चाहिए, अच्छे से करेक्ट करना चाहिए जिस तरह की कॉल राइटिंग हुई है, और वो भी वीकली सीरीज में और वो भी मंथली सीरीज की शुरुआत में, तो कॉल राइटिंग काफी हुई है, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिलाने वाली है ये आपके लिए। और दूसरा ये कि ग्लोबल मार्केट्स में भी मिला जुला सा रुझान आप कह सकते हैं, वैसे सब ठीक है, लाइफ टाइम हाई पर कल आपका नैस्डैक और S&P बंद हुआ है, लेकिन हल्का फुल्का डाउन में करेक्शन है, तो उस लिहाज से आप दोनों तरफ ग्लोबल मार्केट जिसको मजबूत समझना मजबूत समझे, जिसको शॉर्ट करना है वो हल्का फुल्का कह भी सकते कि रुकेगा करेक्शन होगा, वैसा वाला मामला है। अब आइए डेटा क्या कह रहे हैं, 15,700 यहां पर है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 34,00,000 शेयरों का, ठीक है, और ये आपके लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, तो ऊपर में 15,800 पार करना मुश्किल होगा। क्यों होगा, क्योंकि 15,800 के पुट पर भी 33,00,000 शेयर, तो वहां पहुंचेंगे तो आप पहले ही थोड़ा जो लॉन्ग पोजिशन बनाकर बैठे हैं पुट राइटर्स वो अपनी पोजिशन हल्की करने की कोशिश करेंगे, पहला, और दूसरा वहां पर 15,800 पर कॉल राइटर दबाकर कॉल बेचकर बैठे हैं, 53,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जो कि पुट के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, और 24,00,000 शेयर तो कॉल राइटर आज ही जुड़े हैं, तो अगर बाजार 15,800 के ऊपर आज बंद होता है तब तो ऑल इज वेल, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, और तब तो तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आज या कल में ही हो जाएगी। अगर 15,800 के नीचे बंद होता है तो थोड़ी सी चिंता की बात है कि हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन आपको 15,675 तक का मिल सकता है, ऊपर तो 15,850 15,900 पर तो जमकर कॉल राइटिंग हुई है, पूछो मत, तगड़ी कॉल राइटिंग है। इसका मतलब यह कि हर एक ऊपर के लेवल पर बाजार को टिकने में थोड़ा पसीना आएगा, आसान काम नहीं है, पहली चीज। अब आइए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे जो ट्रेड करना शुरू कर रहा है ये अच्छा संकेत नहीं है, 34,900 35,000 के नीचे जो ट्रेड कर रहा है, क्यों कि 35,000 के पुट पर 26,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है, जिसमें से 13,00,000 शेयर आज ही जुड़े, तो ये बहुत जरूरी है कि बैंक निफ्टी के लिए 35,000 के ऊपर बंद दे होना चाहिए, 60,00,000 शेयर अदरवाइज पुट राइटर्स बैंक निफ्टी के ऐसे हैं जो रिस्क पर आ जाते हैं अगर आप 35,000 के नीचे बंद होते हैं, तो इसलिए बैंक निफ्टी के लिए 35,000 को होल्ड कर पाना इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी बहुत जरूरी है। अब बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेंज क्या है, 34,800 35,000, ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन है जिसमें आता हुआ दिख रहा है, इस रेंज में आप शॉर्ट भी काट सकते हैं, हल्की फुल्की खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जाने में बढ़ने में बहुत पसीना आएगा। वजह यह है कि 35,000 के कॉल्स पर 20,00,000 शेयर हैं तो वो रुकावट का काम कर रहा है, 35,000 से लेकर 35,500 की रेंज में हर एक 100-100 पॉइंट पर तगड़ी कॉल राइटिंग होकर रखी है, इसलिए बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल बढ़ा है ऊपर जाना, 35,500 पर तो दबाकर कॉल राइटिंग है 26,00,000 शेयरों की, तो बैंक निफ्टी को हर ऊपर के लेवल पर रुकावट आती हुई दिखेगी। बस यही है, 35,000 के ऊपर बंद होना बहुत जरूरी है, अगर नीचे बंद होता है तो फिर रिस्क खुल जाती है कि दो दिन आप 35,000 के ऊपर बंद हुए, वही बार बार वही होता है, एक या दो दिन 35,000 के ऊपर बंद होता है बैंक निफ्टी और वापस नीचे चला जाता है, तो मुझे रिस्क निफ्टी में ज्यादा नहीं दिख रही है, मुझे रिस्क बैंक निफ्टी में ज्यादा दिख रही है, बैंक निफ्टी में जितनी मजबूती चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, निफ्टी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।